नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फन टेक बूम पर। मैं हूं आपका दोस्त मुकुल, लेके आ गया हूं आपके लिए और कमाल की वीडियो। दोस्तों, अगर आप एक स्मार्टफोन बाय करने की सोच रहे हैं 10,000 के अंदर कोई बजट स्मार्टफोन, तो आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। रियलमी ने जब से नार्जो 10A लॉन्च कराया है, काफी लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि रियलमी C3 के साथ जाएं या रियलमी नार्जो 10A के साथ जाएं। तो आज की इस वीडियो में फुल स्पेसिफिकेशन बताऊंगा और बताऊंगा किसके साथ जाना चाहिए। हालांकि काफी दोनों फोन काफी सिमिलर स्पेसिफिकेशन के साथ आते हैं, लेकिन इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, इसमें कुछ डिफरेंस है। दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। इससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिल जाएगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का धमाकेदार टेक वीडियो। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही फोन्स के बैक पैनल की। दोनों ही फोन का बैक पैनल प्लास्टिक का है, लेकिन दोनों में काफी फर्क आ जाता है डिजाइन में, क्योंकि रियलमी नार्जो में आपको थोड़ा अलग डिजाइन मिलता है जिसमें रियलमी की बड़ी सी ब्रांडिंग मिलती है, लेकिन रियलमी C3 में आपको अलग मिलता है। दोस्तों, रियलमी C3 में आपको दो कलर देखने को मिलते हैं, रेड एंड ब्लू। वही नार्जो में भी आपको दो कलर देखने को मिलते हैं, व्हाइट एंड ब्लू। दोस्तों, डिजाइन आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है कि आपको दोनों में से कौन सा अच्छा लगा। दोनों ही फोन्स में आपको माइक्रो यूएसबी पोर्ट देखने को मिलता है चार्जिंग के लिए, और 3.5 mm का हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है। दोनों ही फोन्स में आपको ट्रिपल स्लॉट देखने को मिलता है, जिसमें आप दो सिम कार्ड प्लस में एक मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। दोस्तों, दोनों ही फोन्स में आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, बात करते हैं अब डिस्प्ले की। डिस्प्ले दोनों ही फोन्स में आपको 6.5 inches की देखने को मिलती है, जिसमें दोनों ही फोन्स में आपको वाटर ड्रॉप नोज देखने को मिलती है। और दोस्तों, दोनों ही डिस्प्ले LCD HD प्लस हैं, 60Hz के साथ आने वाली। दोस्तों, अब बात करते हैं बैटरी की। दोनों ही फोन्स में आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है 10W की चार्जिंग के साथ, जो कि एक नॉर्मल चार्जिंग है। फास्ट चार्जिंग आपको इसमें देखने को नहीं मिलती है, लेकिन मेरे हिसाब से 15 या 18W की तो होनी चाहिए थी। और तो और, इसमें आपको माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिलता है, टाइप सी देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों, बात करते हैं प्रोसेसर की। प्रोसेसर भी आपको दोनों फोन में सेम देखने को मिल जाता है, MediaTek का Helio G70। काफी अच्छा प्रोसेसर है इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से, और दोनों ही फोन्स में पबजी अच्छे से चल जाएगी। काफी अच्छा रिस्पांस देगा ये प्रोसेसर आपको इन फोन्स में। दोस्तों, बहुत बोल लिया कि अभी दोनों ही फोन्स में ये है, दोनों ही फोन्स में है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन दोनों फोन्स में डिफरेंस क्या है। दोस्तों, सबसे बड़ा डिफरेंस आपको देखने को ये मिलता है, नार्जो सीरीज में आपको पीछे फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, लेकिन रियलमी C3 में वो आपको मिसिंग मिलता है। बात करते हैं दोनों ही फोन्स के कैमरा की। दोनों ही फोन्स में आपको सेल्फी देखने को मिल जाती है 5 MP की, लेकिन बैक कैमरा आपको दोनों फोन्स में 12 MP का प्राइमरी मिलता है, और दूसरा जो होता है 2 MP का बुके मिलता है। लेकिन नार्जो में आपको 3 कैमरा देखने को मिलते हैं, C3 में आपको 2 ही कैमरा देखने को मिलते हैं। C3 के जो है 12 MP प्लस 2 MP का बुके मिलता है, और नार्जो में आपको 12 MP का प्राइमरी, 2 MP का बुके प्लस में 2 MP का मैक्रो कैमरा भी देखने को मिल जाता है, जो कि 4 cm तक मैक्रो खींच सकता है। तो दोस्तों, दो डिफरेंस तो ये हो गए कि एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है और एक मैक्रो कैमरा भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों, बात करते हैं तीसरे डिफरेंस की। तीसरा डिफरेंस नार्जो सीरीज में ये देखने को मिलता है कि उसमें रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन है। अगर आप कोई रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट वाली चीज यूज करते हो, जैसे कि रियलमी बड्स एयर, तो आप उस फोन से वायरलेसली चार्ज कर सकते हो, लेकिन C3 से नहीं कर सकते। दोस्तों, ये तीन डिफरेंस थे, फिंगरप्रिंट सेंसर, वायरलेस चार्जिंग और पीछे एक मैक्रो कैमरा। बाकी इनकी लेंथ भी, हाइट, विड्थ सब कुछ सेम है। अगर आप बात करते हैं फोन की डायमेंशन की, स्क्रीन की, प्रोसेसर की, प्राइमरी कैमरा की, सेल्फी कैमरा की, बैटरी की, बिल्कुल सेम फोन्स हैं। बस ये तीन डिफरेंस देखने को मिलते हैं। लेकिन बात करते हैं दोस्तों प्राइसिंग की। प्राइसिंग के मामले में रियलमी ने बहुत ही बेकार काम किया है, क्योंकि दोस्तों दोनों ही फोन आपको 3GB प्लस 32GB के वेरियंट में दोनों ही फोन आपको 9,000 रुपए की कीमत में मिल जाते हैं। तो दोस्तों, कोई C3 क्यों खरीदेगा? और दोनों ही फोन आपको 10,000 रुपए की कीमत में देखने को मिलते हैं, 4GB प्लस 64GB। और तो और दोस्तों, जब रियलमी ने स्मार्टफोन लॉन्च करे थे आज से एक हफ्ते पहले भी 8,500 रुपए की कीमत में 3GB प्लस 32GB नार्जो मिल जाता था, जो कि अब 9,000 का हो चुका है, और 8,500 रुपए की कीमत में C3 मिल जाता था 4GB प्लस 64GB। तो C3 नार्जो से कहीं बेहतर हो जाता था स्टोरेज के मामले में, सेम स्पेसिफिकेशन पे। लेकिन अब दोनों ही फोन्स के दोनों ही प्राइस वेरियंट बिल्कुल सेम कर दिए दोनों ही वेरियंट्स के लिए। तो दोस्तों, मेरे को ये रियलमी की स्ट्रेटेजी बिल्कुल समझ नहीं आई। लेकिन आपको एक बजट स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं तो C3 के साथ बिल्कुल मत जाना, क्योंकि सेम प्राइस पे आपको रियलमी नार्जो 10A मिल रहा है, जो कि रियलमी का ही है, और दोनों में ही एंड्रॉइड 10 और रियलमी UI आपको देखने को मिल जाता है, और दोनों की प्राइस बिल्कुल सेम है। और रियलमी नार्जो में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग और एक मैक्रो कैमरा देखने को मिल जाता है।
और तो और दोस्तों, अगर आपको इन दोनों फोन में से कोई भी फोन बाय करना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। दोस्तों खत्म करते हैं आज का वीडियो यहीं पर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको लेटेस्ट स्मार्टफोन के फीचर जानने हैं इंस्टाग्राम पे, तो मैं एक और आईडी दे दूंगा, स्मार्टफोन दुनिया, आप उनको भी जाके फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको कोई वीडियो रिलेटेड क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं मिलूंगा आपसे जल्दी अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए कीप वॉचिंग फनटेक बूम।